अटल पेंशन योजना, जिसे APY कहा जाता है, बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन योजना है जो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, पर फिर भी उनको 60 सालों के बाद एक अच्छी पेंशन चाहिए जिसमें एक अच्छी इनकम हो सके, रेगुलर इनकम हो सके। ये इनकम 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की होती है। तो आप किस तरीके से आवेदन करते हैं अटल पेंशन योजना के लिए, इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कितने रुपये आपको देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, वो इस पेंशन योजना में योगदान करना शुरू कर सकता है। पर यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो भारत में टैक्स पेयर्स नहीं है, मतलब जो टैक्स जमा नहीं करते हैं। अगर आप टैक्स जमा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा इनकम है, तो आप इस पेंशन में निवेश करके क्या करेंगे? आप जितना कमा रहे हैं उससे ही अपना जीवन यापन करिए बुढ़ापे के बाद भी। पर जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं वो नीची श्रेणी में आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बुढ़ापे के बाद भी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, तो वो एलिजिबल होते हैं इस योजना के लिए। बेसिकली इसमें आपको 60 साल की उम्र तक पैसे जमा करने होते हैं और वो एक निश्चित राशि होती है। वो कितनी होती है हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं, पर इतना फिलहाल आप समझ लीजिए कि उसमें एक निश्चित राशि आपको जमा करनी होती है 60 वर्षों तक। ये हर महीने भी जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली यानी 3 महीने में भी, हाफ अर्ली यानी आप 6 महीने में, या एनुअली भी जमा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेफर करते हैं जमा करना। इसके अलग अलग प्लान्स होते हैं, जितने रुपए आप जमा करते हैं उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर आप 18 वर्ष की उम्र से शुरू करते हैं पैसे जमा करना, तो आपको 42 रुपए हर महीने जमा करने होंगे, मात्र 42 रुपए, और बदले में 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तब आपको 1000 रुपए महीने मिलना शुरू होंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि आप 40 वर्ष की उम्र से शुरू करते हैं पैसे जमा करना और आपको 5000 रुपये महीने चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में आपको 1454 रुपये जमा करने होंगे हर महीने, जिससे आगे चलकर जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी 20 सालों के बाद, तब आपको 5000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाई चांस कभी आपातकालीन आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको मिलेंगे 8.5 लाख रुपये। और 1000 रुपये वाला प्लान अगर आपने चुन रखा है तो उसमें आपके नॉमिनी को मिलेंगे 1,70,000 रुपए। वैसे बाई चांस, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर हो जाता है, आपकी मृत्यु आपातकालीन स्थिति में हो जाती है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आपके पति होंगे या फिर आपकी पत्नी होगी, उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस प्लान को वहीं पर स्थगित कर दें या फिर वो कंटिन्यू रखें। सपोज दैट आपकी उम्र 55 वर्ष है और आपकी मृत्यु हो जाती है पर आप इस स्कीम में एक्टिव थे, तो वैसे सिचुएशन में आपकी पत्नी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो 5 सालों तक और इस स्कीम को कंटिन्यू रखे और उसके बाद पेंशन जो मिलना शुरू होगा वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर वो चाहें तो इस प्लान को वहीं पर बंद कर सकती हैं और अब तक जितने रुपए जमा किए गए थे आपकी तरफ से वो सारे पैसे आपके पत्नी को मिल जाएंगे। या दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आपको पेंशन मिलना शुरू हो गई, आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई और आपको पेंशन मिल रही है स्टिल, तो आपकी मृत्यु वैसे में अगर हो जाती है, जो पेंशन मिल रही थी आपको वो आपके पत्नी के नाम जाने लगेगी और जब तक आपकी पत्नी जिंदा है तब तक जाती रहेगी। सपोज दैट कि आपके पति या पत्नी 60 वर्ष पूरे होने से पहले ही नहीं है और आप ही के नाम पर यह पेंशन योजना थी और आपकी उम्र अभी 1-2 साल पहले 60 वर्ष हुई है और आपको 1-2 साल पेंशन का लाभ मिला है, तो वैसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है आपातकालीन स्थिति में, तो पैसे आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। पर हाँ, यहाँ नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलने वाली है, एक साथ दे दिए जाएंगे। सपोज दैट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 5000 वाला प्लान है तो 8.5 लाख रुपए और अगर 1000 वाला प्लान है तो यहाँ पर 1,70,000 और बीच में भी 2000, 3000, 4000 वाले प्लान्स होते हैं, तो उन हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं आपके नॉमिनी को। अटल पेंशन योजना 2015 से 16 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्टार्ट की गई एक ऐसी योजना थी जो कि भारत में बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए चलाई गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है। लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने अब तक इसका लाभ उठाया है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। पर इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका खाता पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
तो अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है तो आप अभी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपनिंग करवाइए और वहां पर जाकर अटल पेंशन योजना के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए और इस योजना में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। ओके गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो की अटल पेंशन योजना क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।